हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अधिकतर ये जो प्रॉब्लम चाइना किट का अंदर देखा जाता है, ठीक है, ये किस तरह प्रॉब्लम है? तो जो मार्केट का जो मॉनिटर ट्यूब होता है, अभी मॉनिटर ट्यूब का अंदर चाइना पीसीबी यूज़ करके बहुत टीवी मार्केट पर आ गया, ठीक है। तो इस टाइम मान लो आप न्यू एक किट लेके आया मार्केट से और वो मॉनिटर ट्यूब पर लगाया, और लगाने के बाद आपका जो फास्ट देखा जाता है उसका जो हाइट प्रॉब्लम, ठीक है, ऊपर से नीचे जो हाइट वो बहुत कम देखा जाता है। तो ये एडजस्ट करना बहुत आसान तरीका है कि सर्विस मोड ओपन करके वो हाइट को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिकतर इस टाइप जो प्रॉब्लम होता है ये कैसे सॉल्व करें। सॉल्व मतलब क्या होता है कि आप सर्विस मूट ओपन करके उसका जो हाइट होता है, पूरा ही जो रेंज होता है सर्विस मूट का अंदर, वो पूरा ही आप फुल कर दिया, तब भी उसका पूरा हाइट एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो उसका बाद क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह बहुत प्रॉब्लम देखा जाता है। तो दोस्तों, चलिए आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, आपका एक सच नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा और प्रैक्टिकली ये मैं कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, सर्विस मोड ओपन करके पूरा हाइट एडजस्ट नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू किट का अंदर इस तरह प्रॉब्लम देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट आपको जो देखना पड़ेगा कि ये सेक्शन ओके है, वर्टिकल सेक्शन ओके है, वर्टिकल सेक्शन का सब कुछ पार्ट्स ओके है, ठीक है। सर्विस मोड का अंदर जो ऑप्शन वो फुल एडजस्ट कर दिया, ठीक है, तब भी हाइट नहीं बढ़ेगा। तो आपको ये वर्टिकल सेक्शन का अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली पीसीबी लेके देखा तो ये चाइना का पीसीबी है, ठीक है। और ये जो पीसीबी होता है, ये पीसीबी का देखिए वर्टिकल सेक्शन का आउटपुट पर एक कैपेसिटर दिखा जाता है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का वैल्यू सभी पीसीबी का अंदर 1000, ठीक है, माइक्रोफेराड, और 35 वोल्ट का ये कैपेसिटर दिखा जाता है, ठीक है, और 25 वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है, और 40 वोल्ट भी हो सकता है, लेकिन ये 1000 माइक्रोफेराड कैपेसिटर यहाँ पर देखा जाता है। आपको देखाता हूँ पीसीबी उल्टा करके, देखिए ये पोजीशन पर, ये वर्टिकल सेक्शन का आउटपुट पर ये इस तरह बड़ा वाला जो कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है। ये कैपेसिटर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अब फॉलो कीजिए, ये जो पॉजिटिव साइड है, ये जो लाइन जाता है, देखिए यह आउटपुट वर्टिकल योक का आउटपुट पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए, ये वर्टिकल कॉयल योक कॉयल का आउटपुट पॉइंट है, इसका जो पॉजिटिव साइड, और इसका जो नेगेटिव साइड देखिए, मैं इसका आउटपुट लाइन आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक रेजिस्टेंस का साथ कनेक्शन है, और ये एक रेजिस्टेंस देखिए ग्राउंड का साथ कनेक्शन है, ठीक है। अब देखिए, और दोस्तों ये पोजिशन पर देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ये भी ग्राउंड का साथ कनेक्शन है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस ये ओपन है, कुछ भी पार्ट्स के साथ कनेक्शन नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए उल्टा करके आपको एक बार दिखाता हूँ ये दोनों रेजिस्टेंस को। ये देखिए यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू देखिए 2.2 ओम्स का, ये डायरेक्ट कनेक्शन है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू थोड़ा सा हाई है, ठीक है, लेकिन ये ओपन है। तो चलिए, तो पूरा हाइट नहीं बढ़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो पॉइंट है, ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है, जिस पिन का साथ ये 2.2 रेजिस्टेंस का कनेक्शन है, और ये जो ओपन रेजिस्टेंस है, ये ओपन रेजिस्टेंस का ये दोनों पिन आप सोल्डरिंग कर दीजिए, मतलब शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करने के बाद ये 2.2 रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल के बजाय थोड़ा सा इसका जो ओम्स ये हाई हो जाता है, और आपका जो हाइट वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये पोजीशन पर ये रेजिस्टेंस कुछ भी पीछे पर आप नहीं देखेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है, ये रेजिस्टेंस वैल्यू आप 1 ओम से आप 100 ओम्स का बीच थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके आप लगा के देख सकते हो कि उसका हाइट जरूर बढ़ जाएगा। तो 1 ओम से 100 ओम्स का बीच कौन कौन रेजिस्टेंस होता है, 2.2 ओम्स, 3.3 ओम्स, 4.7 ओम्स, ठीक है, 47 ओम्स, इस तरह रेजिस्टेंस आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके देख सकते हो तो आपका हाइट जरूर बढ़ जाएगा। ये तो फास्ट बात हो गया, ठीक है। और उसका बाद आपको जो बताना चाहता हूँ कि
ये चेंज करने के बाद और बहुत जो हाई ओम्स, थोड़ा हाई ओम्स रेजिस्टेंस लगाने के बाद अधिक टाइम देखा जाता है कि वो रेजिस्टेंस बहुत हीट हो जाता है। और आप कुछ टाइम ऑन करके चला के देखिए कि वो हीट होने के बाद रेजिस्टेंस काट जाता है कि नहीं, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस काट जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, तो तब भी आप उसी से थोड़ा लो ओम्स का रेजिस्टेंस आप यहाँ पर कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है, और देखिए जो वो रुक जाता है कि नहीं। और उसका बाद ज़रूर थोड़ा हाइट वो बढ़ जाएगा, और उसका बाद पूरा ही हाइट नहीं बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट जो आपको करना पड़ेगा ये जो मेमोरी आईसी है, ठीक है, न्यू पीसी भी हो सकता है, ठीक है, इसका जो मेमोरी आईसी है, मेमोरी आईसी का जो डाटा स्टोर होता है उसका जो हाइट बढ़ाने का जो रेंज, ठीक है, वो जो स्टोर होता है, अब ब्लैंक एक मेमोरी आईसी लगाएगा तो, ठीक है, न्यू एक ब्लैंक मेमोरी आईसी लगाने का बाद उसका जो वो रेंज होता है वो रेंज और बढ़ जाएगा, ठीक है। जब उसका रेंज और बढ़ जाएगा तो आप 26 मिनट से वो रेंज जो होता है बढ़ा के आप पूरा ही हाइट आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, सर्विस मोड कैसे ओपन करें और कैसे सर्विस मोड ओपन करके बहुत कुछ आप सेट कर सकते हो, वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप ये वीडियो के ऊपर मैं जो वीडियो दे दिया ये वीडियो क्लिक करके आप सर्विस मोड ओपन कर सकते हो।